एसबीटी न्यूज पर पेश है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की टॉप 10 खबरें। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में कहा कि पीलीबंगा, बड़ोपल, रावसर और पल्लू आदि क्षेत्रों से अवैध खनन की लगातार शिकायतें मिल रही है, इसलिए अलग अलग विभागों के अधिकारी टीमें बनाकर संयुक्त निरीक्षण करें। इसके बाद अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए ताकि अवैध खनन रुक सके। उन्होंने राजस्व, परिवहन, पुलिस, खनिज विभाग के अधिकारियों से कहा कि भविष्य में इस तरह की शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए, समय रहते कार्यवाही की जाए। घरसाना से दिल्ली मार्ग पर जाने वाले निजी परिवहन सेवा की बस पर बीती रात अज्ञात हमलावरों ने पथराव कर दिया। बस पर पथराव होने से यात्रियों में सनसनी फैल गई। पथराव करके बस के शीशे तोड़ने के बाद हमलावर ऑटो कार में सवार होकर फरार हो गए। अनुपगढ़ पुलिस ने अज्ञात युवकों पर मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। घटना में चालक, परिचालक और यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। श्रीकरणपुर में बीती रात एक ट्रक चालक ने रेलगाड़ी से कटकर जान दे दी। जीआरपी ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। जीआरपी चौकी प्रभारी हवलदार रणवीर ने बताया कि श्रीकरणपुर में होम सिग्नल के निकट एक युवक की लाश बरामद हुई। मौके पर मिले आधार कार्ड से मृतक की पहचान 35 वर्षीय लियाकत अली के रूप में हुई है। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान कर ली। पदमपुर पंचायत समिति के विकास अधिकारी भंवरलाल स्वामी पर हमला करने वालों का सुराग लगाने के लिए चुनावड़ पुलिस इस मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। एक फुटेज में हमलावरों की जीप ततारसर से पदमपुर की ओर जाते हुए दिखाई दे रही है। चुनावड़ पुलिस थाना प्रभारी परमेश्वर सुथार ने बताया कि उन्होंने पदमपुर तक रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली है। आज उन्होंने पदमपुर पहुंचकर जीप के बारे में सुराग जुटाने का प्रयास किया। पदमपुर से निकलने वाले रास्तों पर कैमरे तलाशे जा रहे हैं। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने लालगढ़ हवाई पट्टी का विस्तार कर यहां पर हवाई अड्डे का निर्माण करवाने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मामले से अवगत करवाया है। गौड़ ने मुख्यमंत्री से कहा कि हवाई पट्टी का जीर्णोद्धार साल 2007-2008 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किया गया था। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा आनन फानन में प्राइवेट कंपनी के माध्यम से लालगढ़ से जयपुर के लिए 8 सीटर एयरक्राफ्ट हवाई सेवा प्रारंभ की गई थी, लेकिन हवाई पट्टी छोटी होने के कारण एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद हवाई सेवा बंद कर दी गई। इस संबंध में मैंने विधानसभा में भी बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाया था। श्रीगंगानगर उद्योग विहार में आज दोपहर कार और बाइक की टक्कर में 4 जने घायल हो गए। घायलों को रिको स्थित जनसेवा हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। ये चारों टीवीएस बाइक पर सवार होकर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर मार्ग पर जा रहे थे। रिको में मारुति कार ने टक्कर मार दी। श्रीगंगानगर उद्योग विहार की भट्टा कॉलोनी से करीब 1.25 महीने पहले अपने 2 बच्चों सहित लापता हुई विवाहिता को सदर पुलिस ने तलाश लिया है। महिला और उसके दोनों बच्चों को आज सुबह पुलिस थाने में लाया गया। जांच अधिकारी एसआई धर्मपाल ने बताया कि 16 अगस्त को उसके पति ने महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान ममता को रायसी नगर के पास गांव फौजूवाला से प्रदीप बिश्नोई के घर से बरामद कर लिया। ममता यहां प्रदीप के साथ लिव इन में रह रही थी। पढ़ाई करने के लिए हनुमानगढ़ में अपने जीजा के घर रहने वाली नाबालिग लड़की से उसके जीजा और जीजे का दोस्त यौन शोषण करने के मामले में महिला थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मेडिकल करवाने के लिए पीड़िता को तलब किया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की रिपोर्ट पर हनुमानगढ़ के फतेहगढ़ में रहने वाले उसके जीजा और उसके दोस्त लखविंदर सिंह पर यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि जीजा पीड़िता को हनुमानगढ़ में पढ़ाने का झांसा देकर श्रीगंगानगर से अपने साथ ले गया, वहां उसका यौन शोषण करता रहा। हनुमानगढ़ जिला स्तरीय पैरोल समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन के समक्ष 3 कैदियों की पैरोल स्वीकृति के आवेदन आए थे। इनमें से 1 कैदी की पैरोल को स्वीकृत किया गया, दूसरे की निरस्त कर दी गई और 1 का आवेदन पेंडिंग रख लिया गया। श्रीगंगानगर में करीब 6 साल पहले जवाहरनगर क्षेत्र में डाले गए सीवरेज से घर की पाइपलाइन से जोड़ने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। गत दिवस जिला कलेक्टर ने नगर परिषद को ये कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए कहा तो आज परिषद का तकनीकी दल जांच के लिए कई वार्डों में पहुंच गया। अधिशासी अभियंता महेश चंद गोयल के साथ सहायक अभियंता सुखपाल कौर और कनिष्ठ अभियंता सिद्धार्थ जांदू ने वार्ड नंबर 34 और 35 में चल रहे सीवरेज चैम्बर कार्य का निरीक्षण किया। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।